तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये एक एम्पलीफायर। ये ऑन नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ऑन की नहीं हो रहा है। ओके हाँ वॉइस पे रहने वाला है आपका जो एम्पलीफायर है वो आनंद का है, और इसमें इशू जो आ रहा है वो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ऑन चेक करना पड़ेगा कि ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ये हमारा स्विच रहेगा, ये इशू कर रहा है। ओके, और दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्यूटी मोड रहेगा, ये हमारा राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। और मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 12 वोल्ट DC रहेगा, ये एंटीना रहेगा, ये अपना RAC केबल के लिए कनेक्शन रहेंगे, ये अपना स्पीकर रहेगा, ये अपना राइट है, ये अपना लेफ्ट है। ओके, तो हमारा जो स्पीकर रहेगा, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में जो बोर्ड लगा हुआ है 4440 IC का बोर्ड लगा हुआ है। ये अपना ट्रांसफार्मर रहेगा, ब्यूटी मोड जो कि लगा हुआ है। ओके, तो लोगों को अभी ये कनेक्शन है तो लोगों को ये निकालना होगा। दोस्तों लोगों ने इसको निकाल लिया है, ये खराब हो चुका है, तो अभी हम लोगों को इसको हटाना होगा और इसकी जगह पे एक दूसरा स्विच लगाना होगा। ओके, तो हम लोगों को ये जो दूसरा स्विच रहेगा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसको मैं लगाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर ऑन हो गया है, देखिएगा अब ये ऑन हो गया है और ये BT मोड पर था, अभी मैं FM पे लगा दिया हूँ और ये अब फिर मैं BT पर लगाऊंगा, उसके बाद मैं इस पर एक स्पीकर लगाऊंगा। ओके, और ये हमारा जो स्पीकर रहेगा ये हमारा 8 इंची का स्पीकर है जो कि हमारा बूफर स्पीकर है। ओके, तो अभी हम लोगों को इस पर लगा करके चेक करते हैं। Got to stay, we got to stay.
जो है लेफ्ट चैनल पे लगा के देखते हैं कि वो करेक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और अभी हम लोगों ने जो है लेफ्ट पे लगा दिया हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट में वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारे ख्याल से इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर आएगा वो शायद ख़राब हो गया है, तो हम लोगों का जो इसका वॉल्यूम कंट्रोलर आएगा वो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उसको भी चेंज करते हुए आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि उसको कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग इस स्पीकर को पैक करते हैं और उसका हम लोग चेक करते हैं कि स्पीकर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है एम्पलीफायर हमारा। स्पीकर में लाइट लगाना हो तो उसका भी मैंने जो आपको वीडियो दे रखा हुआ है ऊपर आई बटन पे देख लीजिएगा, इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा जो एम्पलीफायर आया था बनने के लिए कि ऑन नहीं हो रहा था, तो भी मैंने इसको जो है ऑन करके चालू कर दिया हुआ है। और इसका जो अब नया इशू है वो अपना वॉल्यूम कंट्रोलर का रहेगा, वो भी लेफ्ट चैनल पे। तो हमारा उसके लिए एक वॉल्यूम कंट्रोलर लाना पड़ेगा। ओके, जो इसमें लगा हुआ है वो 100K का लगा हुआ है, तो हम लोगों को उसको ला करके इसको चेंज करना होगा, फिर उसके बाद में ये वर्किंग पे आ जाएगा।
तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। बने रहे मेरे चैनल के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।